उनको पता ही नहीं है, उठा के ले आया, लियो जल्दी से आ जाओ। देखे इस तरह का बंदा होता है काम को, कैसे उठा के ले पता ही नहीं चला। इतना थोड़ा सा लेके आयो, बंदा ज्यादा सा उठा के लाता है ना। तो बाकी चीजों के साथ तुम्हारी दुश्मनी है? और ये देखो बाकी सबके साथ दुश्मनी है। अब अगली दफा जाओगे ना तो ज्यादा सा लेके आना। हाँ अभी आओ ये डालते हैं। चलो भाई लड़ाई नहीं करो, सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा खिलाओ। ये वैसे इतना ज्यादा बारिश की वजह से गीला है ना कि ये पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। चलो जी फेंक दो, कुछ तो इधर फेंक दिया। अब किधर जा रहे हो? अच्छा ये हिरन को देने जा रहे हैं। हिरन के पास पहले इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, हमने वो उसको भरा हुआ है, हिरन नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारी रोज सुबह से इस घर के अंदर बंद है यार, ये काफी ज्यादा तंग भी होगी, लेकिन इस तरफ जो पानी खड़ा है ना बारिश की वजह से, हमारी रोज बहुत ज्यादा डरती है इस पानी से। अभी मैं ये दरवाजा खोल देता हूँ। आ जाओ रोज बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी की तरफ नहीं जाएगी। थोड़ी सी देर पहले तक काफी ज्यादा बारिश थी, अब तेज वाली धूप निकल आई है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये देखें भाई, ये यहाँ से अब आगे नहीं जाएगी उस पानी की तरफ, क्योंकि ये पानी से ना वो बारिश तो रुक गई है। पूल देखो कितना गंदा है, साफ कर लेते हैं। चलो पहले जाते हैं दोस्तों, हम पूल को साफ करते हैं। ये दरवाजा यहाँ पर ना थोड़ा सा खुला छोड़ के चला जाते हैं, ये खुद ही ना अपने घर के अंदर जाए बाहर आए जैसा इसका दिल करे। तो पूल हमारा दोस्तों साफ हो चुका है इसके अंदर। यार ये क्या हरकतें कर रहे हो? मैं निकालने लगा हूँ, सारी डक्स को निकालने लगा हूँ, अभी पानी गंदा कर देगी। चलो आ जाओ, काफी देर से हमने इन बेचारियों को बंद किया हुआ था, इसको भी निकालते हैं और साथ में इनको भी। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शिवा को काटो सीधा जाके। शिवा डायनासोर से बहुत ज्यादा दोस्त है, आज शिवा की दोस्ती होगी डायनासोर के साथ। आज सबके साथ शिवा की दोस्ती होगी, इसके साथ नहीं, चले कल इसके साथ होगी। हर चीज से डरते यार, बड़ी मुश्किल से दोस्ती करवानी है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने सुल्तान को खाना खिलाने के लिए, दो दिन से भूखा है, ढीठ इतना मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे देखता है ना तो उसे भागने की कोशिश करता है। तो इसलिए आज या तो जैन या फिर शिवा तुम खिला दो आज उसे अपने हाथों से। आ जाओ खिलाते हैं। मैं पिंजरे के अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ तो वो बाहर छोड़ गया, फिर मैं पकड़ लूंगा। बड़ा पकड़ लेगा, आज पिंजरे के अंदर नहीं खिलाना पड़ेगा। हाँ मैं तो साथ हूँ, और फिर मिलके खिलाते हैं। आज सुल्तान को पता नहीं मेरे से कुछ मसला हो रहा है, मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, ये लगता है मेरी शर्ट की वजह से ना थोड़ा सा डर रहा है, इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ। खाना मैं तुम्हें ला के देता हूँ, बल्कि तुम दोनों ना मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा हो जाऊंगा और तुम इसे आराम से खिलाने की कोशिश करो। ये लो खाना। डर रहा है, तुमसे भी डर रहा है। एक मिनट ये पकड़ो, फिर मैं कोशिश करता हूँ इसे अपने हाथों से खिलाने की। दरवाजा खोल देता हूँ, ये मुझे दो ना थोड़ा सा यहाँ पर इतना सा। अब मैं इसे खुद, आ जाओ सुल्तान आ जाओ। ये लो, दो दिनों में तुम इतने जंगली हो गए हो कि हमें भूल गए हो। ये उड़ने की ट्राई कर रहा है, ये यहाँ से भागने के चक्रों में है। ऐसा सुल्तान हमारा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ये खा लो पहले, ये लो, ये भागेगा भागेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है मैं ऐसे ना फिर से वो चला गया, ये आ गया। एक मिनट ये पकड़ो, मैं ना उसको किसी तरीके से पकड़ता हूँ, बाहर नहीं निकलने दूंगा। दरवाजा बंद करके, रस्सी किधर है जो इसके पाँव में थी? वो जल्दी से रस्सी लेके इसे बाहर लेके जाएंगे, हाथ पे खिलाएंगे, रस्सी बांध। आ गया मेरा प्यारा सुल्तान, फिर चला गया। इधर आओ, इधर बैठो, मेरे हाथ पे बैठो, जाने नहीं दूंगा अब। चलो इधर आओ, किधर जा रहे हो? बहुत प्यार हो गया तुम्हारे साथ, अभी इधर आओ। अब थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ेगा, इसे मैं बांध के बाहर लेके जाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ, ऐसे खराब हो रहा है, बिल्कुल जंगली हो रहा है। इधर बंद हो गए, कोई खुशखबरी आई है? अभी तो दोनों कुड़ूक हो चुकी हैं, बारी बारी बैठती हैं। लगेंगे तो निकल आएंगे बच्चे, पता नहीं बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, मुझे तो नहीं लगता। ये भी दोस्तों कुड़ूक होके बैठी हुई है, सारा दिन उसके साथ बैठ रहती, जो ही वो उठती है ये भाग के अंडों के ऊपर बैठ जाती है, फिर उस बेचारी को बारी नहीं देती। ये देखे दोस्तों एक और लव बर्ड हमारा बेचारा मर गया। ओहो इसको तो बिल्कुल मुंह ही सारा यार दूसरे लव बर्ड खा गए हैं। अभी थोड़ी सी देर पहले तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एकदम से नीचे आते हैं गिरते हैं, और फिर ये जो है ना इनका इतना बुरा हाल कर देते हैं। ये तरपालों का देखें क्या हाल कर दिया, एक ये भी मुझे थोड़ा सुस्त लग रहा है, ये देखें नीचे गिर गया। अब मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने जो कलरफुल लव बर्ड थे ना यहाँ पर मिक्स किए हैं, ये किसी दूसरी नस्ल के होते हैं, इनकी आँख में फर्क होता है, तो ये एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, और फिर वहीं पर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाई के नतीजे में फिर ये हाल होता है, कुछ मर जाते हैं और बाकी फिर बॉक्स पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ भाई प्यारे दोस्तों तुम ठीक तो हो ना?
रास्ता बंद है, कहाँ तक भाग के जाओगे? अच्छा रुको रुको रुको, चलो भाग जाओ भाग जाओ जो शाबाश। उस चीज को जब मैं इस केज में छोड़ देता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फीमेल अब डर के इस बॉक्स के अंदर भाग गई है और मेल वहां पर है। देखिए कैसे बोल रहा है, जो ही मैं बाहर जाऊंगा ना, ये इतना ज्यादा शोर मचाता है, ये समझता है पता नहीं कौन सी मखलूक का परिंदा इस केज में आ गया। भाई, क्या हुआ है? हिरन और इमो वो दोनों पिंजरे के साथ टकरा रहे हैं। क्यों? ये कह रहे हैं हमने भी बाहर निकलना है, बहुत उनको तो नशा ही हो गया है। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे उनको? बाहर ले जाते हैं। बाहर? तुम पागल हो, यहाँ से भागे ना तो वापस मिलने वाले नहीं है। हिरन को तो बिल्कुल भूल के भी नहीं निकालना, और इनको भी यहाँ तक निकाल दो। बात सुनो, यहाँ तक निकाल दो, पानी के अंदर नहीं जाने देना। तुम इधर खड़े हो जाओ वहाँ। अगर इनको बाहर निकाल देना दोस्तों, पहले ही हम इस जगह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। इनको भाई बाहर नहीं निकाल सकते, और ये बहुत ज्यादा शरारते भी करते हैं। हमारे घर में ये पहले परिंदे हैं जो इंसानों की तरह बदमाशी करते हैं, सीधा ऐसे गुस्सा दिखाते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो किसी तरीके से। कैसे आके खड़े हो गए हैं, बस यहाँ पर आने की देर है। वो आ रहे हैं, हम आएंगे और सीधा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यहीं पर अगर राजी हो जाए तो ज्यादा अच्छा, ये लो पत्ता खा लो। नहीं राजी हो नहीं आते, जो ही बस इधर तक आऊंगा वो फिर आ गए। एक आ गया, बस जल्दी से दूसरा किसी तरीके से बाहर आ जाए। ये अब मैं आराम से ये दरवाजा बंद कर देता हूँ। आ जाओ भाई जैन, अब यहाँ से इनको इजीली पकड़ सकते, पानी के अंदर नहीं जाने देना। और अब पानी के अंदर चला गया, अब ये स्लिप होता रहेगा। एक तो खुद ही अंदर चला गया, दूसरे को हमने पानी से निकाल लिया। फिलहाल इसी को लेके जाते हैं, ये तुम्हारे काबू नहीं आएगा, इसके पाँव इतने ज्यादा सख्त हैं। ये देखिए दोस्तों, सेम टू सेम डायनासोर के जो पाँव होते हैं ना, उनकी ये कॉपी है। और ये इतने खुरदरे होते हैं, हल्का सा इसने पाँव हिलाया तुम्हें उठा के फेंकेगा। मेरे ये देखें, जब भी मैं इसे पकड़ता हूँ मेरे हाथ वहाँ से ना सुर्ख हो जाते हैं, इतने जोर से ये ऐसे पाँव को ऐसे ऐसे मारता है। तो इसको भी मैं खुद पकड़ के लेके जाऊंगा, देख ही डर रहा हूं। मुझे दे दो भाई अभी एक मिनट, ये मैंने पकड़ लिया, ये पकड़ तो लिया, लेकिन मैंने ठीक से नहीं पकड़ा इसको। पकड़ो, अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अब इसको मैंने उठा लिया ना, तो वो देखे उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कैसे बोल रहा है, कितने मजे से एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते वो। कैसे से शोर मचाया, इधर ही है, नहीं लेके जा रहा, इधर ही है फिलहाल। अब क्या करें यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दोनों को लेके जाएंगे तो छूट जाएगा, मुझे पक्का पता है, और एक को लेके जाएंगे तो ये रहेगा नहीं। वो देखो कैसे शोर मचा रहा है। जल्दी जल्दी ले जाते हैं एक को, एक को जल्दी से ले जाते हैं, दूसरे को बाद में आके ले जाएंगे जल्दी से। ठीक है, देखिए बेचारा कितना परेशान हो गया, इतना ज्यादा शोर मचा रहा है बेचारा। हम बस जल्दी जल्दी जाते हैं, तुमने शोर नहीं मचाना, तुमने हमारे साथ कोऑपरेट करा ताकि हम फिर दूसरे को भी लेके आएंगे। हम भी कितने पागल हैं, कोई रस्सी ले आते, इसके अंदर ये गुम हो गया, वापस मिलेगा तो नहीं मिलने वाला। दरवाजा बंद कर दो, निकल जाएगा। बहुत बड़ी है हम कहीं, कुछ नहीं होता, अभी पता चल जाता है। वैसे अब ये डर से जाएगा कहीं नहीं, हमारे पास रहेगा, थोड़ा सा डरा भी होगा। ओए दरवाजा बंद करना, निकल गया। ओए अब पकड़ेंगे कैसे? अब तो भाई मसला है भी ये बिल्कुल अकेला दोस्तों, और ऊपर से प्रॉब्लम हो गई है। वैसे पकड़ लेंगे, भगा भगा के थका थका के हम इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर घूमने दो, अकेला हो गया ना, परेशान है वो, वजनकार है वो। ओ हो, ये दूसरे को ढूंढ रहे यार, क्या करें। अगर दूसरे को लेके आएंगे तो ये या तो उसे ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए, खाएगा खाएगा खाएगा। एक मिनट जरा सब्र कर जाओ दोस्तों, हम थोड़ी देर इसको यहाँ पर छोड़ के देखते हैं ये कुछ खाता है या नहीं खाता, फिर हम इसके बिहेव को देख के ना दूसरे को लाएंगे। देखना गेट को कुंडी तो लगाई है ना, ऐसा ना हो कहीं निकले तो फिर भाई इसकी स्पीड जो है ना हिरन की तरह है। ये क्या कर रहा है, ये शॉपर खा रहा है यार, इसको उस तरफ लेके जाओ। हाँ उधर घूमे, इधर बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, हाँ इधर घूमो यार। ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा, मुझे लगा अकेला होगा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। अब इसे मिलके पकड़ना होगा, कुछ और खा रहा है, कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखें, वैसे यहाँ पर अगर ये दोनों घूमे ना सुबह शाम, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, हम इन्हें यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। कोई भी दीवार फैलांग के इनको यहाँ से उठा के ले भी जा सकता है। एक मिनट आराम से उस तरफ से देखना, दीवार बहुत छोटी है, कहीं दीवार फैलांग के ना निकल जाए, ऐसे तो ये हाथ नहीं आने वाला। इसे बहुत मुश्किल से अभी पकड़ना पड़ेगा, बस तुम लोग उधर ही रुको, मैं इसको ना जैसे टाइप करते हैं ना, ठीक है, ऐसे पकड़ने की देखना अपने आप को। पकड़ लिया, निकल गया। बीम पे लगा हूँ यार, इतना जोर से बच गया, ऐसे ऊपर से गया हूँ, वो नीचे से निकल गया। अब क्या करें, फिर मैं इसे इधर लाता हूँ। शिवा वहां से हिलना नहीं, शिवा ये सब
आगे ऐसे हाथ करो ऐसे, बस ये किसी तरीके से मेरे पास पहुंच जाए। अब मैं नीचे जा रही हूं, दीवार की तरफ से कंट्रोल करना। पकड़ लिया, पकड़ ले बस बस, अब नहीं कहीं जाना। उसको दिल कितना जोर जोर से धड़क रहा है। चलो आ जाओ, चलो शिवा लेके चलते हैं इसको, ये यहाँ लाने के काबिल नहीं है। अभी दोनों हो जाते ना फिर तो पकड़े भी नहीं जाने थे, फिर इन्होंने हमें बहुत तंग करना था। सारी मकई हमने तोड़ दिया, निकलो यहाँ से, किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पर आए थे। अभी मामू को पता चला ना ऐसे फिर बेइज्जती हो जाएगी। ओए ओए, उस बेचारे ने अभी तक शोर मचाया हुआ, दरवाजों को टकरे मार रहे। चलो चलो चलो, तुम्हारा पार्टनर इधर ही है, ये देखो कितना ज्यादा परेशान हो रहा है। जैन जल्दी से दरवाजा खोलो, इससे पहले को कोई तोड़ ही ना दे। आपका दोस्त आ गया। चलो भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेल है ना, इसलिए ज्यादा फिक्र होती है। मेरे हाथ में जो ये फीमेल है, तो इसलिए मेल को ज्यादा फिक्र होती है कि उसकी फीमेल को हम कहाँ उठा के ले गए थे। आ जाओ आ जाओ, जैसे लेके गए थे वैसी है, सेम टू सेम, लेकिन इसने हमें भगाया बहुत ज्यादा। वही है, वही वाली है, देख लो, ये देखो भाग के खुश हो गई। अब खुश हुए, परेशानी उसकी दूर हुई है, उसकी फीमेल घर आ गई है। एक तो मौसम इतना खराब है, हर तरफ कीड़े मकोड़े चूंटियां कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है, ऊपर से मकई के अंदर इतनी ज्यादा छलांगे लगाई है ना कि आप पूरे जिस्म के ऊपर में खारिश होना शुरू हो गई। तो जल्दी से जाके नहाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म के ऊपर ना चूंटियां और कीड़े आ गए हैं। तो आज के लोग यहीं तक था, आज के लोग करेंगे यहीं पर खत्म। वीडियो चलेगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।